तो गाइस अगर आपका बजट रेंज है 12,000 रुपए या फिर उससे कम और उसमें आपको चाहिए एक बेस्ट 5G पावरफुल स्मार्टफोन तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी परफेक्ट है, क्योंकि भाई मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इन तीन स्मार्टफोन को इस वीडियो में ऐड करा है। क्योंकि भाई बहुत ही ऐसे स्मार्टफोन है जो कि आपको इस बजट में अच्छे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो गाइस इनमें से एक स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला है क्वालकॉम की तरफ से 695 वाला चिपसेट और भाई 120 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले मिलने वाली है, 6000 mAh की बैटरी। तो अगर आप जानना चाहते कि कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है और भाई साथ ही साथ बताता चलूंगा कि किस यूजर्स के लिए कौन सा स्मार्टफोन परफेक्ट रहेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे 1 तक जाएंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम हैं स्टार्ट करने वाले नंबर 3 से, जो है कि इन्फिनिक्स हॉट 30 5G स्मार्टफोन है। देखो ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगा जिनको भाई एक अच्छी डिजाइनिंग के साथ साथ एक लंबी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो भाई अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो भाई ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे रन करता है, यानी कि 9 mm का थिकनेस है, 215 ग्राम फोन का वेट होने वाला है, तो अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हैं थोड़ा भारी फील होगा। अब इसके डिस्प्ले की बात करें तो यानी कि इसका 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि IPS LCD पैनल होने वाला है, लेकिन 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले है, आउटडोर के लिए आपको मिलता है 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। तो भाई डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो बजट के हिसाब से मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड इसी के साथ इसके बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, इसके फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर दिया गया है, यानी कि इसके बैक कैमरे से आप 2K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पे। तो कैमरा क्वालिटी मेरे को बजट के हिसाब से एवरेज लगी, यानी कि ठीक ठाक फोटो आप इससे खींच सकते हो। इसी के साथ आपको डायमेंसिटी 6020 वाला चिपसेट आपको मिल जाता है, यानी कि गाइस बजट के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच लेवल का मिल जाता है। 40 fps पे गेमिंग आप कहीं नहीं बिना लैग का आप खेल सकते हैं। इसी के साथ आपको 53 कार्ड स्लॉट मिलता है और 6000 mAh की बैटरी यानी कि 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। देखो बैटरी चार्जिंग होने में थोड़ी सी टाइम लग सकती है, लेकिन नॉर्मल यूज में ये 2 दिन तक चला जाएगा। एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 4GB रैम और 128GB का स्टोरेज ये आपको मिल जाता है 12,499 रुपए में, और भाई ये कभी कभी सेल के टाइम पे 11,000 में सेल होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। लेकिन इस स्मार्टफोन में एक माइनस पॉइंट ये है कि इसका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो उतना अच्छा नहीं है, कभी भी कहीं भी एड आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा चलो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो है कि Redmi 12 5G स्मार्टफोन है। और आपको भी पता है कि Redmi अपने कम बजट में बहुत ही अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है, और खास तौर पे उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना वो काफी जबरदस्त होती है। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर मिल जाता है। देखो सबसे ज्यादा जो इसकी डिजाइनिंग है ना वो मेरे को काफी ज्यादा प्यारी लगी, क्योंकि इसके बैक में आपको ग्लास ओड़ी मिलती है जो कि एक प्रीमियम फील कराती है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे रन करता है, यानी कि 8.1 mm का थिकनेस है, 199 ग्राम का फोन का वेट होने वाला है, तो काफी स्लिम साइज स्मार्टफोन होने वाला है। तो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। यानी कि 6.79 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है जो कि एक IPS LCD पैनल है, और 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, पंचोल कटऑफ के साथ है, और भाई कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, और आपको आउटडोर के लिए मिलती है 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो बजट के हिसाब से मेरे को काफी सही लगी, और खास करके डिस्प्ले पे जो चिन्ह और बेजल्स है ना वो काफी कम मिलते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्ले काफी प्रीमियम लुक देती है। एंड इसी के साथ इसके बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, यानी कि इसके बैक कैमरे से आप 1080p तक का वीडियो 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि कैमरा क्वालिटी मुझे अच्छे लगे, ठीक ठाक फोटो आप इससे खींच सकते हो। और इसी के साथ आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, यानी कि देखो इस चिपसेट को काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करा है, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा होने वाला है, और 40 fps की गेमिंग कहीं नहीं गई है। एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है एंड 5000 mAh की बैटरी जिसमें कि 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। देखो बैटरी तो नॉर्मल यूजर्स पे एकदम आराम से एक दिन चली जाएगी, लेकिन चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड इसी के साथ सिक्योरिटी के लिए मिलता है आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट। तो फाइनली बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। देखो गाइस यहां पे आपको 4GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस होने वाली है 11,999 रुपए, एंड इसका 6GB रैम आपको मिल जाएगा 13,500 रुपए में। देखो गाइस इस स्मार्टफोन को मैं उन यूजर्स को सजेस्ट करूंगा जो कि एक रेडमी यूजर है जिसको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो ये स्मार्टफोन उनके लिए काफी बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 वाले
है स्मार्टफोन के बारे में, जो है कि मोटो G34 5G स्मार्टफोन। देखो मोटो जो है ना अभी के टाइम पे काफी अच्छी क्वालिटी और डिसेंट क्वालिटी का स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। खासतौर पे उसकी डिजाइनिंग काफी अच्छी होती है और काफी स्लिम स्मार्टफोन होता है और क्लीन UI के साथ आता है। तो ऐसा ही कुछ इस स्मार्टफोन में है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि टॉप नॉच का फीचर इसमें ऐड किया गया है, जो कि इस बजट में कोई भी स्मार्टफोन ऑफर नहीं करता है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे रन करता है और 8mm का थिकनेस है और 180 ग्राम का फोन का वेट होने वाला है। देखो इस लिस्ट में जितने भी स्मार्टफोन है उन सभी से काफी हल्का स्मार्टफोन है और काफी पतला स्मार्टफोन है। अब इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले है, जो कि IPS LCD पैनल है। 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले है पंचोल कटऑफ के साथ और भाई 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो मेरे को बजट के हिसाब से काफी अच्छी लगी और काफी कम चीन बेजल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो डिस्प्ले काफी प्रीमियम लगती है देखने में। और आपको भी पता है कि मोटो काफी अच्छी क्वालिटी का पैनल यूज करता है। एंड इसी के साथ इसके बैक में दो कैमरा मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल का है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। भाई डेफिनेटली मेरे को कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी लगी बाकी स्मार्टफोन से। इसी के साथ यहाँ पे अच्छी बात ये है कि क्वालकॉम के तरफ से स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। देखो ये जो चिपसेट है ये 16,000 से 17,000 रुपए के बजट में आने वाले स्मार्टफोन में मैंने देखा है, लेकिन इस बजट में किसी भी स्मार्टफोन में नहीं आता है। तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको भाई इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, टॉप नॉच की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको मिल जाती है। एंड इसी के साथ आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है और 5000 mAh की बैटरी, जो कि 18 वोल्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड बैटरी चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकता है एंड बैटरी काफी लंबी चलने वाली है 2 दिन तक, क्योंकि भाई ये क्लीन UI के साथ आता है। एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है। एंड फाइनली बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, 4GB रैम और 128GB का स्टोरेज ये आपको देखने को मिल जाएगा 10,999 रुपए में। तो गाइस आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि इस बजट में आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन बोलो तो गाइस ये थे आपके बेस्ट स्मार्टफोन जिसको आप खरीद सकते हो 12,000 के अंदर। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।